उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब का कहर। सहारनपुर समेत 3 शहरों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से कुल मरने वालों की संख्या 100 हो गई है। सहारनपुर के 64, रुड़की में 20 और कुशीनगर में 18 लोगों की मौत हुई है। इसमें से सहारनपुर के 18 लोगों की मौत इलाज के दौरान मेरठ में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक जहरीली शराब से मरने वाले ज्यादातर वे लोग हैं जो उत्तराखंड में एक 13वीं संस्कार में शरीक होने गए थे और इन लोगों ने वहीं शराब का सेवन किया। सहारनपुर के अधिकारियों के मुताबिक समारोह में गए लोग वापस आए तो मौत होनी शुरू हुई। अब तक इस मामले में 46 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें 36 लोगों की मौत शराब की वजह से बताई जा रही है। वहीं मेरठ में मरने वाले 18 लोग सहारनपुर से लाए गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई है। सहारनपुर जिले के नागल, गागलहेड़ी और देवबंद थाना क्षेत्र के कई गांवों में जहां देर रात शराब पीने से 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों की हालत मेरठ के मेडिकल अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। प्रशासन की लापरवाही के लिए सरकार ने नागल थाना प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के 3 इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। शुक्रवार शाम और देर रात यूपी के मुख्य सचिव के बाद डीजीपी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि जहरीली शराब के मामले में पूरे जिले में छापामारी और खोजबीन की जाए। यह अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें धरपकड़ के साथ साथ अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी की जाएगी। सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिस जिस जिले में लापरवाही होगी, वहाँ के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। सहारनपुर और कुशीनगर में हुई मौतों के बावजूद जानलेवा शराब की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। उधर कुशीनगर में पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के NH-28 पर ढाबे पर खड़ी ट्रक में भूसे में छिपाकर ले जा रही शराब की 1600 पेटियां बरामद की। बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 80 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कप्तानगंज पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और फिलहाल शराब तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज360.com, खबरें अलग अंदाज में।